हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 19 फरवरी 2021 और हम हैं विकास नगर में। गुड मिलिए मॉर्निंग। मिलिए विपिन तोमर जी से। ये जो हैं आज की डेट में दिल्ली मेट्रो में मैनेजर हैं और बहुत बड़ी तोप हैं। तो जब मैं दिल्ली मेट्रो में था 10 साल पहले, मैंने जब ज्वाइनिंग करी थी तो उस टाइम हम दोनों सेम पोस्ट पे थे। आज मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ और ये बढ़ते 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 तोप बन गए हैं। तो ये 2 दिन के लिए वीकेंड ट्रिप के लिए आए थे यहाँ पे, कल आ गए थे और आज हम जा रहे हैं इन्हें लेके नागटिब्बा की तरफ। लेकिन नागटिब्बा हम एक ऐसे रास्ते से जाएंगे जिसका आपने कोई भी वीडियो, कोई भी ट्रैवलॉग नहीं देखा होगा। तो चलिए चलते हैं नागटिब्बा। अब हमें जो है भाई कैंपिंग भी करनी है, तो इस और 6 लोग हैं तो इसलिए हमने 3 टेंट ले लिए हैं, 6 स्लीपिंग बैग ले लिए हैं और 6 मैट्रेस ले ली है। और अगर ट्रैकिंग करने का मन करेगा तो उसके लिए हमने वॉकिंग स्टिक भी ले ली है। बाइक पे हमने कैंपिंग का सारा सामान लोड कर दिया है। बेचारी डिस्कवर इसी काम के लिए बनी है। और ये रॉयल एनफील्ड विपिन जी की बुलेट, इस पे भी थोड़ा सा सामान ले लिया है। चलो सर जी, नैनबाग मिलते हैं। और दीप्ति जाएगी किस पे? 9069 पे। 3 बाइक 6 सवारी और सारा सामान मेरी बाइक पे लोड है। जो भी हमारे ब्लॉग के, हमारे यूट्यूब चैनल के पुराने दर्शक हैं वो तो सब जानते होंगे इन सारे रास्तों को, क्योंकि हम कई बार इन रास्तों को दिखा चुके हैं अपने वीडियो में। विकास नगर से अभी हम जाएंगे जुड्डो, जुड्डो के बाद फिर वो भैंस वाला वाटरफॉल आएगा, उसके बाद जाएंगे यमुना पुल, उसके बाद नैनबाग, उसके बाद फिर पंतवाड़ी, फिर पंतवाड़ी से आगे जाएंगे पत्थरखोल नाम की जगह पे और वहाँ पे जंगल के बीच में करेंगे कैंपिंग। अभी पहुंचे हम नैनबाग। नैनबाग में हम करेंगे लंच क्योंकि हमें भूख लगने लगी है। हाँ, ये शायद प्रेम पावनी होटल, न्यू प्रेम पावनी, तो इसमें रुक के हम करेंगे लंच। इसमें जो है राजमा है, आलू चने हैं और ये मिक्स वेज की सब्जी है। कढ़ी ख़त्म हो गई इनके पास, नहीं तो कढ़ी भी होती। बहुत ही टेस्टी खाना है, बिल्कुल घर जैसा। ये है जी नैनबाग से पंतवाड़ी जाने वाली सड़क। नैनबाग से पंतवाड़ी 15 किलोमीटर है, पंतवाड़ी के बाद फिर नागटिब्बा का ट्रैक शुरू होता है। लेकिन हम पंतवाड़ी से भी 15 किलोमीटर और आगे जाएंगे इसी सड़क पे। मैंने नागटिब्बा का ट्रैक कई बार किया, 2 बार किया है बल्कि, एक बार देवलसारी से, एक बार पंतवाड़ी से, और कल हम 3रे रास्ते से करेंगे जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। तो आप नज़ारों का आनंद लो और जैसी कोई बात आएगी तो हम फिर से हाजिर होंगे। म्यूजिक बजाओ रे म्यूजिक। ये है जी पंतवाड़ी गांव, यहीं से नागटिब्बा का ट्रैक शुरू होता है। गांव के ज़्यादातर लोग ट्रैकिंग से जुड़े हुए हैं, नागटिब्बा के ट्रैक से जुड़े हुए हैं। होटल हैं, होम स्टे भी हैं, कुछ कैंप भी हैं। यहां पे आपको किराए पे कैंपिंग का सामान भी मिल जाएगा। रेट वगैरह मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि किराए पे यहां पे मिल जाता है। तो अगर आप कभी नागटिब्बा का ट्रैक करना चाहते हो तो सिंपल पंतवाड़ी आ जाओ, यहाँ से किराए का सामान ले लो या फिर कोई पैकेज ले लो। पैकेज ना लेना हो तो कोई बात नहीं, किराए से सामान, किराए का सामान लो, उसे ढोने के लिए एक पोर्टर ले लो, एक या दो गधे चाहिए गधे ले लो, खच्चर चाहिए खच्चर ले लो। इस तरह से आपका नागटिब्बा का ट्रैक बहुत सस्ते में हो जाएगा। और अगर आपके पास कैंपिंग का सामान है तब तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। 2 दिन का ट्रैक है नागटिब्बा का, 1 दिन जाना और 1 दिन आना। ये फूल देख रहे हो ना, ये बुरांस का फूल है जी। और इस जंगल में जहाँ पे हम आज कैंपिंग करने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारा बुरांस मिलने वाला है, बहुत सारे फूल मिलने वाले हैं। मुझे इस रास्ते को ना देख के जलोड़ी पास की याद आ रही है। हिमाचल में एक जगह है जलोड़ी पास, उसकी हाइट है 3100 मीटर और ये जगह है 2200 मीटर पे। हालांकि कोई कंपेरिजन तो नहीं है लेकिन दोनों का रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है, जंगल वाला रास्ता है और काफ़ी चढ़ाई है। ये हमारी वीडियो बना रहे हैं, बनाओ बनाओ बनाओ,
शाबाश, देश सेवा करते रहना चाहिए। ये 2200 मीटर का पास है पत्थरखोल, अभी तक हम टिहरी ज़िले में हैं और जैसे ही पास को पार कर लेंगे एकदम से उत्तरकाशी ज़िले में पहुंच जाएंगे और हम यहीं पे टेंट लगाने वाले हैं, यहीं पे हम कैंपिंग करने वाले हैं। यहाँ पे बाइक लगाओ, एक दुकान खुली हुई है और ये फॉरेस्ट वालों के ठिकाने हैं, यहीं पर आज हम रुकेंगे। बस भाई उतर भाई, ये रोड आगे सीधे चली जाती है धरासू यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है, धरासू के बाद उत्तरकाशी है। अभी जो है शाम के 5 बजे हैं, हम पहुंच गए पत्थरखोल पे और यहाँ पे चैन सिंह जी हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, यहीं पे उनकी ड्यूटी है पूरे 24 घंटे की। तो इन्होंने हमें जो है अपने ऑफिस में, एक छोटा सा ऑफिस है इनका, उसमें अलाउ कर दिया है। तो अभी हमें जो है टेंट भी लगाना नहीं पड़ेगा, एक आध टेंट लगा लेंगे क्योंकि विपिन जी आए हैं दूर से तो उनके लिए टेंट लगा लेंगे, बाकी हम टेंट नहीं लगाएंगे। आपको पता है कि हम लोग टेंट लगाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि टेंट में कंफर्टेबल नींद नहीं आती है। थैंक यू सर जी, आपने हमारी बहुत हेल्प कर दी। थैंक यू। हम तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं है टेंट लगाने की भी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, और हमें एक रूम मिल गया अटैच बाथरूम वाला, उससे बढ़िया क्या होगा। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। अच्छा चलो मैं आपको रूम भी दिखा दूँ, दिल खोल कर रूम देखना, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। ये हमारा आज का ठिकाना है, यहीं पे हम मैट्रेस बिछा लेंगे क्योंकि हम पूरा कैंपिंग का सामान लेकर आए हैं तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस टेंट नहीं लगाना पड़ेगा हमें। और ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मैट्रेस बिछा लेंगे, स्लीपिंग बैग ओढ़ के सो जाएंगे, अंदर जो है इसमें टॉयलेट वगैरह है। रूम के सामने जो है ये कैंपिंग ग्राउंड भी है तो यहाँ पे टेंट भी लगाया जा सकता है। तो विपिन जी के लिए हम एक टेंट लगा देंगे। वो सामने एक मंदिर दिख रहा है, मंदिर को बोलते हैं दुल्लेश्वर महाराज जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर है मेनली। ये भी सब फॉरेस्ट वालों के ऑफिस है, ये फॉरेस्ट वालों का बैरियर है, यहाँ पे उत्तरकाशी टिहरी जिलों की सीमा है तो यहाँ पे फॉरेस्ट का बैरियर। और ये एक ढाबा है जहाँ पे हमारा आज का भोजन बनेगा। यहीं से मंदिर के पीछे से ऊपर 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 चढ़ते चढ़ते पहुँच जाएंगे हम नागटिब्बा। हमें तो लग रहा था कि बर्फ बहुत ज़्यादा होगी तो हो सकता है नागटिब्बा जाना ना भी हो, लेकिन अभी फॉरेस्ट गार्ड साहब ने, चैन सिंह जी ने बताया है कि नागटिब्बा जाया जा सकता है, यहाँ से रास्ता बना हुआ है और खुला हुआ भी है। वो बता रहे हैं कि एक चौकीदार को हमारे साथ वो भेज देंगे। वैसे भी चौकीदार और ये गार्ड वगैरह लोग जंगल में वो करते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो इनकी ड्यूटी का हिस्सा है। कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ ऊपर नागटिब्बा तक जाएंगे। सही है, बढ़िया। हमने तो बर्फ़ देख के ये मान लिया था कि भाई रास्ता चलता फिरता नहीं है, तो क्या पता अभी नागटिब्बा तक का रास्ता खुला हो ना हो। चलो अच्छी बात है। तो अभी हम यहाँ का आसपास का आपको नज़ारे दिखाते हैं। बुरांश बहुत खिला हुआ है और चारों तरफ थोड़ी सी धुंध है, इसलिए बर्फ़ के पहाड़ यहाँ से नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुबह अगर मौसम साफ होगा तो हम आपको अगली वीडियो में बर्फ़ के पहाड़ दिखाएंगे। अभी मैं टहलते टहलते पत्थरखोल से 100 मीटर दूर आया हूँ रिज पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त कैंपिंग ग्राउंड आप देख सकते हो, कभी आपको भी आना हो तो यहाँ पे आप टेंट लगा सकते हो, खाना बना सकते हो, रात रुक सकते हो। बढ़िया, मज़ा आ रहा है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वहाँ पे ना मुझे कुछ छानी दिखाई दे रही है, छानी, तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाऊँगा कि छानी कैसी होती है। ये एक छानी है जी, अभी सर्दियों में तो देखो यहाँ पे कोई भी भेड़ बकरी वाले नहीं होते, अप्रैल में सब आना शुरू हो जाएंगे। एक छानी ये रही, ये तो बहुत बड़ी छानी है, इसमें तो सोया जा सकता है। चलिए अंदर, अंदर चलिए। अरे इसमें बेड भी है यार, चूल्हा भी है। अरे वाह यार, इसमें तो सोया जा सकता था, निवास भी बहुत है। नीचे गोबर लंबी चौड़ी है पूरी। बहुत बड़ी छानी है और यहाँ पे तीन छानियाँ हैं, एक तो ये ईंट की है, ये पत्थर की है और वो उधर लकड़ी की है। छानी जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली
पशुओं के लिए होती है, गाय भैंस वाले आते हैं, गुजर लोग आते हैं सहारनपुर से, भेड़ बकरी वाले होते हैं, तो वे यहाँ पे गर्मियों में रहते हैं, अप्रैल में आ जाएंगे और सितंबर अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। तो अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो इन छानियों में रुक सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हाइजेनिक तो नहीं होती है और 150 रुपये रुकने का चार्ज लेते हैं, थोड़ा बहुत खाने का चार्ज, घी दूध की कोई कमी यहाँ पर होती नहीं है। तो आपने हमारी पवाली कंठा वाली वीडियो में देखा होगा, हम लगातार 3 रात छानियों में रुके थे। चलो गर्मी में आएंगे तो यहीं पर रुकेंगे इन्हीं छानियों में, नहीं तो अगर छानी में नहीं होगा तो अपना टेंट लेके आ जाएंगे, टेंट लगा लेंगे, स्लीपिंग बैग हो जाएगा, बात बन जाएगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं अच्छा है। पहले लग रहा था कि यहाँ शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हम टेंट में रुकने वाले हैं, वो एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है। हमने मैडम को नहीं लेके आए, ये हमने मिस कर दिया, अब जाके डांट पड़ने वाली है और अगली बार मैडम को भी लेके आना पड़ेगा, यहाँ इतना अच्छा लग रहा है। ये मज़े हैं जी हमारे यहाँ के। तो देखो जब हम ग्रुप को लेकर जाते हैं तब ये मज़े नहीं आते, क्योंकि तब सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती है, व्यवस्थित तरीके से खाना पीना सब कुछ फिक्स रहता है, पकोड़े मिलते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं, अच्छा होता है। लेकिन जो मज़ा ना यहाँ पे चूल्हे पे बैठ के खुद बनाने खुद खाने का, वो मज़ा भाई ग्रुप के साथ नहीं आता। तो ये हमारी पर्सनल ट्रिप है और विपिन जी तो आप जानते हो, मतलब कि 10-12 साल से हाँ हमने एक साथ काम किया है, तो बस सभी हम ही फैमिली वाले ही हैं। तो ऐसा कोई दीप्ति बेचारी रोटी सेक रही है चूल्हे पे बैठ के, और मजे की बात ये कि चूल्हे पे जूते पहन के बैठ गई है। हाँ तो चलो भाई अभी 9 बज गए हैं और खाना खा के हम सो जाएंगे, और कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो भी जरूर जरूर देखना। अगली वीडियो में हम नाग टिब्बा की तरफ चलेंगे या फिर पता नहीं कहाँ चलेंगे, कह नहीं सकते कुछ भी। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ, राम राम।